अस्सलाम वालेकुम कैफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। तो आज तो बहुत अच्छी है क्योंकि बारिश बड़ी अच्छी हो रही है। हम बारिश की बात कर रहे थे, उसी से मुझे ख्याल है कि साड़ी की भी बात। मैं अभी बारिश और साड़ी का बहुत अच्छा कनेक्शन है क्योंकि हमारे ऑफिस में सीढ़ियाँ होती हैं तो मैंने कैफ को फ़ोन किया, मैंने कहा आप आ रही हैं, लिफ्ट बंद है, आपको बता दो, आप मुझे पता आप साड़ी पहनती हैं तो आप अरेंजमेंट करके आइएगा कि चढ़ेंगी कैसे। बट यू लव साड़ीज। मैंने शुरू तब की थी जब मैं 16 साल की थी। लेकिन बाकायदा तौर पर साड़ी पहनना, क्योंकि मेरी वालदा नानो घर में खवातीन पहनती हैं, ददियाल में भी और ननियाल में भी, तो उनकी बहुत सारी साड़ियाँ मुझे विरसे में मिली हैं क्योंकि आई वॉज दी ओनली वन हुज इंटरेस्टेड। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ कहते थे ना कि क्या चाहिए, मैंने कहा वो साड़ी दे दें मुझे, खर्ची ना दें साड़ी दे दें। तो मेरे पास काफ़ी एक ह्यूज कलेक्शन है जो कि प्री 60s, कभी कभी प्री पार्टीशन साड़ीज भी हैं, जो वो कपड़ा ही डिफरेंट है। और फिर जब मौका मिलता है इंटरनेशनल ट्रैवल का तो मैं साड़ी ही खरीदती हूँ, कोई और चीज़ नहीं। तो इसलिए अब आदत है और अच्छा लगता है। हाँ, मुझे लग रहा है इतनी कंफर्टेबल तरीके से वो इंटरव्यू, मैंने कहा कोई हमारे इतने लंबे वॉइस में कोई वो नहीं, शी वाज प्रिपेयर्ड के कारण था। इट्स जस्ट लाइक आप शलवार कमीज में या जिस समय जीन्स में नहीं कंफर्टेबल हो सकती है, मेरी बॉडी टाइप ही नहीं है जीन्स के लिए। आई वुड लव टू वेयर जीन्स बट आई कांट कैरी देम। एनसीए में भी साड़ी पहन के जाती थी। हाँ, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में, जब हम किसी जैसे अगर कभी अशरिंग कर रहे होते थे या किसी उसका हिस्सा होते थे सेलिब्रेशन का, तो मैं पहनती थी। लेकिन जब मैं टीचर बनी वहाँ पे तो फिर मैंने अपना लिया जो ड्रेस, आई थिंक मैं 24 साल की थी उस टाइम पे, और मैंने फिर उसको अपना लिया। बहुत कूल लगती होंगी, लोग आगे पीछे फिर रहे होते होंगे। ओह माय गॉड, इतना मजा आता था। अब ये मुझे नहीं पता, आई विश किसी के पास इतनी हिम्मत होती। हाँ, वैसे हिम्मत हुई बट पता तो चल जाता था। अच्छा बच्ची अभी समझ आ रही है मुझे। लेकिन अच्छा लगता था कि क्योंकि आपको एकदम से नजर पड़ती थी, आप कम से कम उसमें आ जाते थे, आपके रोब में लोग आ जाते थे, वो एक होता था एलिगेंस डाल देती है साड़ी। हाँ, आपको। हाँ, और अगर आप यंग भी हो तो फिर भी आप मैच्योरिटी डाल देती है। अच्छा ये बताएं शब्बो कैसे आया, और आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि शब्बो को लोग इतना पसंद करेंगे? मैं नहीं कर रही थी एक्सपेक्ट, क्योंकि रोल बहुत छोटा था, जिस तरह से उमैरा ने लिखा था बहुत मुस्तनद किरदार। तो जब मैंने पढ़ा तो उससे पहले फारूक रेंद मेरे ऊपर काफ़ी काम कर चुके थे। अच्छा, क्योंकि वो इन द सेंस उन्होंने मुझे एक थिएटर में देखा जो मैं जजा सजा कर रही थी, और वो शेक्सपियर की एक अडेप्टेशन है, तो उनको बहुत अच्छा लगा मेरा काम। और दूर से उन्होंने मुझे देखा तो मुझे 2 साल से मिलने की कोशिश कर रहे थे, और किसी ना किसी वजह मतलब फारूक रेंद के आप उसमें थी, स्पॉटलाइट में थी। yes. उनको पता था कि ये मुझे इनसे काम कराना है। हाँ, वो आते हैं, वो थिएटर्स देखते हैं आके, बहुत खामोशी से आते हैं, और ये मुझे बाद में पता चला। तो जब वो टैलेंट ढूंढ रहे हो, वो ढूंढते हैं। हाँ, क्योंकि उनका हमेशा से तरीक़ेकार, मैंने जितने भी उनका काम, जो मुझे डायरेक्टर्स पसंद है, मैं उनका काम बहुत शौक से देखती हूँ, तो ऑब्वियसली ये कोई बात कहने वाली थी तो फारूक उसमें से एक थे ऐसे। और मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी हुई थी, सिर्फ मुझे उनकी बातों का मालूम था, और काम से मैं बहुत मुतासर थी। तो ही वॉज़ वन ऑफ दोज पीपल विच आई होम आई एस्पायर टू वर्क विद। तो जब इनका मुझे फ़ोन आया थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि ये तो अजीब सी कहानी हो गई है। फिर ये जब मैं इकरा में थी तो ये एक दफ़ा 2 दिन का उन्होंने वहाँ पर शूट किया। अभी मेरा ख्याल उसी ड्रामे की इनकी लक स्टाइल की नॉमिनेशन भी हुई है, प्यार के सत्य। हाँ, okay. उसी का वहाँ पे शूट हो रहा था। वो 2 दिन तक यकीन माने हम फोन पे रहे, पर हम मिल नहीं पाए, क्योंकि वो जब फ्री होते थे शूट करके तो मैं अंदर किसी काम में बिजी होती थी, कोई मीटिंग होती थी, बहरहाल वो मुलाकात नहीं हो सकी। और इवेंचुअली लास्ट दिसंबर इन्होंने कहा बस कैफ अब तो मिल ही लें, तो यू नो मैंने कहा चले सही है। सो वी सैट डाउन, वी टॉक्ड, एंड ही सेड के अगर मैं आपके लिए कोई इस तरह की चीज़ बनाऊँ तो आपको कैसा लगेगा। एंड मैंने कहा ठीक है, मुझे आपके साथ काम करना है, मेरा ज़्यादा फोकस ये है कि मैंने देखना है हाउ यू वर्क इन एन एनवायरनमेंट, क्योंकि मैं खुद प्रोड्यूस करती हूँ चीज़ें और मुझे अच्छा लगता है मैं डायरेक्टर्स का थॉट प्रोसेस देख सकूँ। तो जब इन्होंने मुझे ऑफ़र किया रोल तो मैंने कह दिया हाँ, मैंने सोचा भी नहीं कि ये पहले मुझे जो प्रॉब्लम थी कि शायद ये बहुत छोटा किरदार होगा,
वो मेरे दिल से वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि कैव इसको बहुत मज़े का बनाना है और वाकई में जब हम सेट पे जाते थे तो ये कोशिश करते थे कि चीज़ जो है वो एक तो इम्प्रूव बने और जल्दी उसकी जल्दी में ना कुछ हो तो वो निकालते थे मतलब बॉडी लैंग्वेज मेरी उन्होंने पूरी की निकाली तो जब मैं उनके साथ परफॉर्म कर रही थी तो मुझे लगा कि शायद ऑडियंस को मज़ा आएगा क्योंकि जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो ये कहका मार के हंस भी पड़ते थे कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैं कहा फारूक इतनी छिछोरी बातों पे ना तुम हंस रहे हो कि मुझे अजीब कहता है नहीं नहीं कैफ आप बस मान जाएं ये लोगों को पसंद आएगा मैंने कहा ओके ठीक है आई ट्रस्ट यू सो आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन दिस तो आई थिंक इट वॉज जब मुझे भी मजा आया करने का उनको भी हंसी आ रही थी तो ऑडियंस को पसंद आया अच्छा लगा पूरा आपका हेयर स्टाइल भी डिफरेंट है ये भी फारूक नहीं सोचा लुक उसमें डिफरेंट है वो इधर से वेव्स रिंगलेट्स हैं और सब कुछ वो लुक भी बड़ा तो ये अच्छा तो ये लिखा वैसे नहीं था उसकी पर्सनालिटी ऐसी लिखी हुई थी नॉवल में मैंने नॉवल नहीं पढ़ा है नॉवल में ये किरदार नहीं है ओह जो ओरिजिनल नॉवल है उसमें किरदार नहीं है किरदार है ही नहीं शब्दों का बिल्कुल भी नहीं ये तो है ये नहीं था मुझे। पर ये डाला गया किरदार और इसलिए जब मुझसे बात इसके बारे में शुरू हुई तो मुझे किसी ने ये मैसेज ज़रूर पहुंचाया था कि उमेरा का ये कहना है कि किसी ये किरदार छोटा ज़रूर है लेकिन इसमें किसी कैरेक्टर एक्टर को आप कास्ट करें नॉन एक्टर को मत कीजिएगा तो जिसपे जब मुझसे बात हुई तो मुझे लगा कि अगर राइटर ने भी कुछ सोच के इसको डाला है और डायरेक्टर भी इसके ऊपर काम कर रहा है क्योंकि इतना कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है ये बनाना जो भी हमारा मीडिया का जितना भी जॉनर है हम जो बनाते हैं वो जब मैंने देखा कि राइटर भी सोच रहा है इसके बारे में डायरेक्टर भी सोच रहा है और वो मेरी तरफ आना चाह रहे हैं क्योंकि मैं थिएटर करती हूँ तो आई कुड अंडरस्टैंड कि वो और मेरा थिएटर जो होता है वो बड़ा एनर्जेटिक होता है उसमें भागना ये कॉमेडी टाइमिंग बहुत होती है उसमें बहुत ज़्यादा पैथोस भी होता है तो अगर ये लोग मुझे एम्प्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए इसका मतलब है कि कुछ है इस कैरेक्टर में भी कुछ मटेरियल है हाँ तो इसलिए वो जब हमने बल्कि जब शब्बो का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने कुछ फीडबैक देखा जिन्होंने नॉवल पढ़ा हुआ है एंड दे गॉट ऑडियंस गॉट वेरी अपसेट कि ये कहाँ से क्यों ले आए हैं आप लोग यू नो बिकॉज दे वांटेड टू सी कि वो जो कहानी चल रही है पर मुझे लगता है इस कैरेक्टर के आने से दोनों राइटर्स और डायरेक्टर्स ने बड़ी मिस्ट्री क्रिएट कर दिए उस टाइम पे भी हमें मिस्ट्री क्रिएट हो क्योंकि मैंने पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था मैंने नॉवल भी नहीं पढ़ा हुआ पर मैंने कहा मुझे और मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती भी नहीं हूँ मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ अपने सीन्स दीजिए और मैं कॉन्टेक्स्ट में देख लेती हूँ डायरेक्टर से बात करके कि अच्छा ये कहाँ से इमोशन आ रहा है ये क्यों ये लाइन बोल रही है लेकिन अभी मैं भी मिस्ट्री में जा रही हूँ कि कहानी किस तरफ जा रही है आपको नहीं पता मुझे नहीं पता तो मुझे सिर्फ यही पता है मैंने जो सीन्स किए हैं तो उसके स्निपेट्स मुझे पता हैं लेकिन आई डोंट नो द होल स्टोरी और शायद हम अपनी जिंदगियां भी ऐसे गुजारते हैं शब्बो मुझे लगता है कभी कभी ना वो महरीन की एजेंट लगती है मुझे एजेंट हाँ वो सबकी एजेंट वो ना वो जिस तरीके से जाके उसकी नज़र मशल के हर कामों पे होती है ना और वो सब चीज़ें देख रही होती है लेकिन महरीन की हेल्प नहीं करती है वो ये बड़ा मुझे ना उससे बड़ा शिकवा रहता है उससे बट क्या है शब्बो वो ऑन पर्पज कन्फ्यूज कर रहे हैं ऑडियंसिस को क्योंकि शब्बो नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है जितना मुझे समझ आ रही है उसकी स्ट्रीक्स हैं डिफरेंट सुपर वो नेगेटिव नहीं है तो वो आउट एंड अबाउट जाके बुरा काम भी नहीं करती हाँ लेकिन वो बुरा काम गलत होते हुए देखती है तो वो चुप भी रहती है तो ये मुझे होती है क्यूरोसिटी के वो लाइक वो महरीन के लिए इतनी रात को थके हुए होने के बाद वो अंबियाँ तोड़ के वो उसका अचार बना के उसके लिए करेगी एफर्ट करेगी लेकिन फिर वो उसकी मामी के साथ बिल पे उसकी ठुकवाई भी कराएगी और वो देख रही है कि मशल ने उसका वो इन्हेलर ले लिया कुछ करेगी नहीं तो ये क्या है इसके इसके पीछे इसको हम क्या ग्रे कैरेक्टर बोलेंगे या ये रखा ही इसलिए कि ऑडियंस कंफ्यूज होती रहे ऐसे मेरी तरह इधर से उधर जंप करती रहे मेरा ख्याल है इंटरेस्ट लेवल तभी डेवलप होता है जब आप किसी कैरेक्टर की स्पून फीडिंग ना कर रहे हो ऑडियंस की तरफ और ये बड़ा कोशिश की है फारूक ने इसको मेंटेन करने के थ्रू आउट सेट के ऊपर सब कैरेक्टर्स के साथ फारूक ने यही ट्रीटमेंट रखा है अभी जैसे जैसे आप देखेंगे अब सबकी जो भी उतार चढ़ाव आएगा अभी आगे एपिसोड्स में उसमें बहुत सारे रंग निकल के वापस नज़र आएंगे आपको तो मेरा ख्याल है ये एक शब्बो का जो कैरेक्टर है चूँकि ये बचपन से यहाँ पर है और शायद जो एक गुमान था हमें कि इस कैरेक्टर की एज
शायद 3-4 साल के फ़र्क से बड़ी है ये बाकी कैरेक्टर से जो बच्चे थे उधर. तो इसकी मेच्योरिटी का लेवल, फिर बच्चे होकर आई एम श्योर इसकी कहीं ना कहीं जेलसी थी कि इस उम्र में मैं इनको क्यों केटर कर रही हूँ. क्योंकि वो कर रही है किचन में काम कर रही है, पर ये दोनों लड़कियाँ और ये लड़का जो है, दे आर बीइंग केटर्ड बाय हर.